किस तरीके से आप कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग होना चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग होना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो पर। हेलो एवरीवन, अगर आप अपने मोबाइल के साथ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और या फिर पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने एक रिसर्च करी जिसमें हमने देखा कि ऐसे कितने वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है जो एजुकेटर्स को एजुकेट कर रहे हैं टू टीच फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। मैंने ये पाया कि कहीं भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया गया जहाँ से अच्छी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। इस ट्राइपॉड के साथ में लोगों ने ऐसे जुगाड़ वाले सॉल्यूशन लगाए। मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग होना चाहिए उस पर इतना फोकस नहीं किया गया। सेटअप को किस तरीके से हैंडल किया जाए ये बातें नहीं की गई। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मुझे लगता है कि ये मोबाइल जो है ये सफिशियंट है किसी वेबकैम से कॉम्पीट करने के लिए। जितना बजट आपका है उस बजट के हिसाब से ये मोबाइल इतना कैपेबल इनफ है कि आपको वेबकैम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से कन्वर्ट कर लेंगे। आपको वेबकैम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से काम चला सकते हैं। तो हम क्या बात करेंगे आज? आज हम अगेन जिस तरीके से मैं वीडियो बनाते आया हूँ उसी तरीके से आज भी मैं आपसे बात करूँगा किस तरीके से आप कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग होना चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग होना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो पर। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो रिस्पॉन्स, जो मैसेजेस, जो मेल मुझे आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्ट करूँ, रिप्लाई करूँ आपको, मगर मेरी एक अपनी लिमिटेशंस है। एक छोटी टीम के साथ में मैं काम करता हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और हर वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा जो एक एजुकेटर्स को ऑनलाइन आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आपकी इन छोटी छोटी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम लाइव आता रहूँगा। और अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लेवल पर सपोर्ट चाहिए, अगर आप एक एजुकेटर हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं या फिर आप एक स्पोर्ट पर्सन हैं, आप अगर अपनी ऑनलाइन एकेडमी बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल आपकी अपनी एकेडमी बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। आपको अपनी खुद की ऐप बनाना चाहिए और इसके लिए मेरी कंपनी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ मैं आपको एक वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको आपके नाम का एप्लीकेशन, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम का वेबसाइट प्रोवाइड करूँगा जहाँ पर आप इंडिविजुअली अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। चलिए पॉइंट पर आते हैं और सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेलफोन। सेलफोन की रेंज अगर आपने 8000 से लेके 50000 तक का आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो उससे आप HD क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग HD क्वालिटी। आप 4K की मत सोचो, 4K क्वालिटी में कोई भी नहीं देखता है वीडियो, कोई भी नहीं देखता। इवन आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं 4K में बना रहा हूँ, बट आप उसको HD में देख लो या आप मोस्ट प्रॉब्ली 720 की उस क्वालिटी पे देखते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट मोबाइल फ़ोन। सेकेंड, अगर आपका कोई डाउट है कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कुछ भी मत सोचो। सिंपल सा एक बोर्ड के सामने क्या मोबाइल फ़ोन या किसी शॉप पे मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हो तो उसमें किस तरीके से उसकी आउटपुट क्वालिटी इसको देखिए, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। सेकेंड हमारे पास में आता है माइक। माइक कौन सा? बोया का माइक, और ऐसा माइक जो डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। ये माइक एक ड्यूरेबल माइक है, कुछ आपके 3-4 महीने 5 महीने आराम से निकालेगा अगर आप सही तरीके से इसको रखेंगे। 1000 रुपये की कॉस्टिंग है इसकी। सेकेंड बात करते हैं ट्राईपॉड की। ट्राईपॉड के लिए देखो, मैंने तो मेरे पास में ट्राईपॉड मोबाइल का कोई ऐसा कोई ट्राईपॉड नहीं था, मेरे पास में ये इस टाइप का एक ट्राईपॉड था, छोटा सा मिनी ट्राईपॉड था। ये मार्केट में बहुत इजीली 1000 रुपये की रेंज में और 500-700 की रेंज में मोबाइल के लिए बहुत सारे टिकटॉकर ने अपना काम चालू कर रखा था, अब वो बंद हो गए। तो टिकटॉकर्स के लिए तो डेफिनेटली इस टाइप की चीज़ें 1000-1000 रुपये में मिली हुई है। तो हम टिकटॉकर्स नहीं है बट स्टिल हम उनके ट्राईपॉड को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो आपको ऐसा ट्राईपॉड लेना है। मैंने ऐसी बहुत सारे फोटोज़ देखे हैं जहाँ पे टीचर्स नए नए तरीके बता रहे हैं, लकड़ी में इसको अटका लो, इसको ऐसे कर लो। इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है देर इज़ नो मीनिंग ऑफ री इन्वेंट द व्हील।
आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं, आप टीचिंग पे क्वालिटी पे फोकस करिए, आप इस पे दिमाग लगाइए, 1000 रुपए इस पे आप बहुत इजीली खर्च कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आता हूँ बोर्ड की। तो बोर्ड में मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस देख लिए फैकल्टीज के जिन्होंने बहुत छोटे बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बॉस आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आप कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको कुछ तो स्पेंड करना पड़ेगा, फ्री में काम नहीं चलेगा। आपको अगर आपके पास छोटा बोर्ड है उस बोर्ड को साइड रखिए, बड़ा बोर्ड लाइए। फ्रेम है 1920x1280 की फ्रेम है। अगर इस फ्रेम को जस्टिफाई करिए कि जितना बड़ा आपके मोबाइल फ्रेम अलाउ करता है उतना बड़ा बोर्ड लाइए, हार्डली 1200-1500, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप बोर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ करिए। अगर आप जितने आप मेरे चैनल देख रहे हैं, अगर आप मेरे सजेशन को लाइटली नहीं लेते और सीरियसली लेते हैं, तो प्लीज़ अगर आप छोटे बोर्ड पर पढ़ा रहे हो तो आज बोर्ड को उठा के साइड फेंक दो, आप एक अच्छा बोर्ड ले आइए। और अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वीडियो डेवलपमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए अब हम शुरू करेंगे कि सॉफ्टवेयर लेवल पे हमें क्या इंस्टॉल करना है इस मोबाइल के अंदर, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर लेवल पे हमें इन चैलेंजेस को पूरा करना है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देकर अपने स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सको, अपने कॉन्टेंट को दे सको। जैसा कि हमने हार्डवेयर सेटिंग समझी, उसी तरीके से हमें मोबाइल में किस किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या हमें सेटिंग करना होगी। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग मोबाइल से करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप प्रॉब्लम फेस क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मोबाइल में जो वीडियो की साइज़ है वो बहुत बड़ी आ रही है, आप मोबाइल कब बंद हो जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, मोबाइल की ब्राइटनेस को आप कैसे इंक्रीज करेंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम कैमरा की सेटिंग के द्वारा पूरा रिजॉल्व करा जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल सेटिंग के अंदर लेके चलता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं ओपन कैमरा का इंटरफेस है। मैं अब आपके यहाँ पर कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं ये जो है ब्राइटनेस, राइट। अब आप देखेंगे ये मैंने इसकी ब्राइटनेस, इस सेक्शन से आप अपनी ब्राइटनेस को बढ़ाकर या कम कर सकते हैं, लाइट के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो ऊपर के सेक्शन में आप देख रहे होंगे, यहां पर जो आप देख रहे हैं ए इन्फिनिटी, और ये बना हुआ है ये ए इन्फिनिटी स्टार लॉक, ये जो चीज बनी हुई है ये क्या है, तो ये चीज है हमारी फोकस की इंफॉर्मेशन। तो ए जो है वो है ऑटो फोकस, जो इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोकस है, तो हमें फोकस को लॉक कर देना है, राइट। आप देखेंगे एक प्रॉब्लम हमारे हमेशा जो फेस करते हैं हम लोग, जब हम कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जूम इन जूम आउट ब्लर, हल्का सा ब्लर होते जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें जो ये ऊपर की रो में जो ऑप्शंस है वहां से आप लॉक कर दीजिए, तो फोकस ऑटो फोकस नहीं होगा, राइट। जो ये ऊपर स्टार बना हुआ है, जो ये फ्लैश लाइट का सबसे पहला आइकन जो है फ्लैश लाइट का है, उस आइकन से भी हमें कुछ नहीं करना है, यह आइकन के बाद में हम बात करेंगे। फिर नीचे आता है वीडियो रिजोल्यूशन, राइट। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपकी जो साइज है वीडियो की साइज बहुत बड़ी बन जा रही है, जब आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो की साइज बहुत बड़ी बनती है, आप किसी भी से भी रिकॉर्ड करें वीडियो की साइज अच्छी क्वालिटी में बड़ी बनती है, तो अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है कि आप किस क्वालिटी का वीडियो रखना चाह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन सारे यहाँ भी अवेलेबल है। वीडियो सेटिंग में आप जाएंगे, वीडियो सेटिंग में आप यहाँ पर देखिएगा ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जो रिकमेंडेड ऑप्शंस है वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक है फुल HD 1920x1080, ये है रिकमेंडेड। बट अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको 16:9 रेशो भी कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी है तो डेफिनेटली साइज बड़ा होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी क्वालिटी को से वीडियो बनाएं, बट अगर आपको एक मेमोरी कंस्टेंट है, अपलोडिंग स्पीड कंस्टेंट है, तो आप इसका अल्टरनेटिव मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है 1280x768। आप इस फ्रेम को देखिएगा, ये फ्रेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो राइट। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन आपको जो सिलेक्ट करना है, या आप 1280x768 या 1920x1080, ये दो मेरे रिकमेंडेशन है, मैं इसी हमेशा HD को ही सिलेक्ट करता हूँ।
फिर सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं नीचे, इनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन। आपको इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा शेक होता है आपका वीडियो, आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपका हैंड शेक होता है, वो अगर नहीं होता है क्योंकि हम उसको ट्राइपॉड पे लगाने वाले तो हमारा वैसे भी नहीं होगा, तो इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट में अगर आप डायरेक्टली अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो और ये सब चीजें करते हैं तो आप डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने दीजिए क्योंकि इसमें MPEG 4 वाला ही फॉर्मेट सिलेक्ट करेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन वीडियो की क्या रखनी है आपको। तो मुझे लगता है आप यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो सेट कर सकते हैं, तो आप 1 आवर सेट कर सकते हैं या फिर आप उसे अनलिमिटेड पर ही रहने दीजिएगा। मगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे 1 घंटे का वीडियो बनाना है तो आप 1 घंटे का वीडियो बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्स ड्यूरेशन। तो अगर आपने 1 घंटे की ड्यूरेशन रखी है तो आपको वीडियो को रीस्टार्ट करना है, कितनी बार रिपीट करना है वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वो अपने आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। एक कंस्टेंट जो होता है वो है साइज का। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी वीडियो की साइज 2 GB से ज्यादा ना बने, 5 GB से ज्यादा ना बने, तो आप यहाँ पे एक कंस्टेंट लगा सकते हैं। ओपन कैमरा ने ये बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, राइट। रीस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज होने के बाद रिकॉर्ड ऑडियो, अगर आप अलग से कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक जो अच्छा फीचर मुझे लगता है वो है लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो। जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो गलती से किसी का हाथ लग जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, इस केस के लिए यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए ताकि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें आप उसको आपका कोई भी एक्टिविटी की वजह से ये क्लोज ना हो। फिर उसके बाद में हम आते हैं वीडियो सबटाइटल को आपको किसी काम का नहीं है। डीबगिंग ऑप्शन में वीडियो बिटरेट, तो बिटरेट क्या होता है, तो बिटरेट जो होता है बिट्स पर सेकेंड, बिटरेट जो है हमारा, तो बिटरेट आपको कितना रखना चाहिए, तो आपको बिटरेट डिफॉल्ट पे रहने दीजिएगा। और अगर आपका वीडियो लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब स्लो स्लो, आप बिल्कुल एंगल बिल्कुल स्लो स्लो बन रहे हैं, मूवमेंट पूरा स्लो हो रहा है, तो आप इसको डिफॉल्ट में रहने दीजिए। और अगर आप कम करना चाहें तो कम रखें, ठीक है। हायर जितना बिटरेट होगा ना उससे क्वालिटी उतनी बेटर होगी, बट आपका डिस्क का जो स्पेस है बहुत ज्यादा लेगा, तो डिफॉल्ट रखिए, डिफॉल्ट इज रिकमेंडेबल है, ठीक है। वीडियो फ्रेम रेट, अब फ्रेम रेट क्या होगा कि 1 सेकंड में कितनी फ्रेम आपके आना चाहिए, तो आप 25 से ज्यादा अपना फ्रेम रेट कभी नहीं रखिएगा। बाय डिफॉल्ट जो फ्रेम रेट है, अगर आप बाय डिफॉल्ट पर रहने देंगे तो भी फाइन है, मगर आप अगर ऐसा आपको लगता है कि वीडियो की साइज बड़ी बन रही है बहुत ज्यादा, तो आप यहां से बिटरेट कम करिए, फ्रेम रेट कम करिए, थोड़ा सा फ्रेम रेट कम करिए, 25 तक चाहिएगा फ्रेम रेट, 25 से नीचे नहीं जाइएगा। क्रिटिकल बैटरी चेक, यस बैटरी चेक वाला जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि आप तो हमेशा अपने मोबाइल को चार्जिंग पे रखें ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, टेंशन ही खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैश की रिक्वायरमेंट होगी नहीं क्योंकि लाइट का सेटअप हम अलग से लगाएंगे। तो ये थी हमारी बेसिक सेटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अच्छा, इसके बाद में आपको कुछ ऐसे फंक्शनलिटी भी यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे फेस डिटेक्शन। अगर आप एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जहां पर आप बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं तो आप फेस डिटेक्शन को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो जब भी आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट करेगा, राइट। इसके बाद में मोर कैमरा कंट्रोल्स में आप देखिए तो आपको ये कैमरा, अगर फोटो कैमरे से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में हमें नहीं जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी आप देखो इसमें कुछ पॉज आफ्टर फोटो टेकिंग के लिए है, टाइमर बीप दे रखी है, वॉल्यूम की दे रखी है, ऑडियो कंट्रोल ऑप्शन दे रखा है, ये सारे ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा, मगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन स्क्रीन GUI की सेटिंग को आप मत करिएगा। कैमरा प्रीव्यू आपके लिए यूजफुल है, तो आपको क्या क्या कैमरा प्रीव्यू मतलब आप जब आप स्क्रीन पर हो, जब आप कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रीव्यू दिखना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी अच्छे सारे, काफ़ी अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको बॉर्डर दिखाना है, थंबनेल एनिमेशन दिखाना है कि नहीं, ग्रिड शो करना है कि नहीं, फ्री मेमोरी शो करना है कि नहीं, शो टाइम, शो बैटरी, जैसे मैंने यहाँ पे करा है शो कंपास डायरेक्शन, शो कंपास डायरेक्शन लाइंस, शो पिच लाइंस, शो एंगल, शो जूम शो करना है कि नहीं, शो जो शो एंगल्स पे भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको फ्रंट में ये ऑप्शन दिख जाएगा, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस को आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अब आप देखिएगा
बेस्ट वे में आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपका ये जो एंगल वाले जो ये देखिए आपका अगर ट्राइपॉड टेढ़ा है तो ये जो लाइंस दिख रहे हो आप ये पूरे एंगल्स को जस्टिफाई कर देती है, तो अगर आपकी बिल्कुल सीधी लाइन होगी तो ये इसका यूज है। तो आप मुझे लगता है ये सब चीज़ों को आपको नहीं करना है, इसको जाके आप प्रॉपरली इसको हाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर बढ़िया से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वीडियो को। अब बात हो गई हमारी ओपन कैमरा की, राइट। ओपन कैमरा के अलावा भी एक ऑप्शन में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है हमारे मोबाइल के अंदर का प्रो मोड। क्या होता है प्रो मोड, तो चलिए मैं आपको उसको स्टार्टिंग से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। जब भी आप किसी मोबाइल के अंदर, अगर आपका मोबाइल एक अच्छी कंपनी का मोबाइल है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको और मिलेगा जो कि ऑप्शन है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये प्रो जो दिख रहा है ना, ये प्रो ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। प्रो मीन्स व्हाट, आप फोटोग्राफी में प्रो है, मीन्स आपको फोटोग्राफी का पूरा नॉलेज है, वीडियोग्राफी का पूरा नॉलेज है। तो यहाँ पर हर मोबाइल एक ऑप्शन देता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन जूम करने का ऑप्शन, राइट। ये जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो। उसके बाद में ऑटो फोकस, अगर आपका बार बार फोकस करने के बाद में कम ज़्यादा हो रहा है, अगर आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली फोकस कर रही है, जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो आप ये ऑटो फोकस को से मैनुअल पे आ सकते हो, ठीक है, मैनुअल पे आ सकते हो। ये AF का यूज़ था, यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे AF है। उसके बाद में फिर वाइट बैलेंस क्या होता है, अगर आप जब बहुत सारी लाइट लगा देते हो तो कलर स्क्रीन मैच नहीं होती, तो आप यहाँ से नीचे आप देख रहे होंगे इससे बड़ा छोटा आगे पीछे करके आप ये वाइट बैलेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो वाइट बैलेंस का ऑप्शन दे रखा है। शटर स्पीड क्या हो रही, देखिए अभी आप देखेंगे, आपको मैं थोड़ा जूस दिखाता हूँ, ये फ्लिक कर रहा होगा, राइट। ये देखो आप जब ऐसी लाइन बन के आती है ना, ऐसी देखो, ये देखिए ऊपर देख रहे हैं आपको ये लाइन दिख रही है, ऐसी अगर लाइनें बन के आ रही है तो शटर स्पीड को आपको गिराना होगा। देखिए आप ये लाइन बनते हुए आ रही है, दिख रही है आपको ये लाइन, ये जो लाइन बन के अगर आपकी वीडियो में आ रही है, आपको ऐसा लगता है कभी कभी लाइन आ जाती है, तो आप शटर स्पीड को गिरा दीजिए। शटर स्पीड के थ्रू ही आप इस लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं 100 से नीचे शटर स्पीड अगर आपकी रहेगी तो हमेशा आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर हमने 100 सेट कर दिए तो 100 से शटर स्पीड बिल्कुल नॉर्मल होगी, अब वो लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद में ISO क्या होगा, आपकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना हो, आपको बढ़ाना हो, तो ये आप सेटिंग, आपको ये सारी सेटिंग आपको मोबाइल के कैमरे के अंदर ही होती है, प्रो करके सेटिंग होती है। इसका डायमेंशन अगर आपको फुल करना है तो मैंने ये फुल कर लिया इसका डायमेंशन, राइट। अभी डायमेंशन फुल हो गया, यहाँ से आप सेटिंग में जाके आप ये सारी सेटिंग भी कर सकते हैं इसी के अंदर। सेटिंग आप देखिए, सेटिंग आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इस सेटिंग को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर दो प्रो के दो तीन फीचर्स ऐसे होते हैं हर कैमरे के अंदर। अगर आप ओपन कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते और अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी देखिए आप रिजोल्यूशन का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 4K 1080p 720p ये दिया हुआ है, आप इसमें से आप जो सिलेक्ट करना चाहे, फ्रेम रेट भी आपको दे रखी हुई है, आप इसमें वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। वीवो के फ़ोन ने बहुत अच्छा शटर का ऑप्शन दे रखा है, तो आप ऐसे भी अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर ये सेटिंग्स को थोड़ा सा अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब इसको सम अप करते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। पहली चीज़ बताई है आपके खुद के कैमरे के अंदर आपको प्रो ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कैमरे की सेटिंग्स को चेंज करना अलाउ करता है, राइट। तो आप उस प्रो ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया आपको ओपन कैमरा के थ्रू भी आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक स्प्रेड करने में मेरी मदद करिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हमसे करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों नंबर दिए हुए हैं आपको। आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए आपको eduscott@gmail.com पर आपको मेल करना होगा और आप मुझे डायरेक्टली www.eduscott.com पर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का डेमो लेने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक अच्छा
अच्छा सा सेटअप करवाना चाहते हैं, स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक बहुत एक नॉमिनल कंसल्टेंसी फीस ली है आपसे, क्योंकि मुझे अगर आपको एक स्टूडियो सेटअप करवाने में या आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करवाना है तो मुझे उसमें बहुत सारा इनपुट देना होगा, मेरी टीम को इनपुट देना होगा, और उसके लिए हम आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करेंगे, क्योंकि मुझे ये एफर्ट वन मंथ से ज़्यादा का एफर्ट होता है जहाँ पर हम किसी भी इंस्टीट्यूट को प्रॉपर लेवल पर सेटअप करते हैं। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है, मगर अगर आप एक हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो उस केस में आपको हमसे कनेक्ट करना होगा और हम आगे कैसे इस पे काम करेंगे वो हम ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल एजुस्कॉट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।